क्लास वन, आप लोग सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, मैं अभी आप सबों को हिंदी व्याकरण बुक में उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपना बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 45, पाठ 13, उल्टे अर्थ वाले शब्द एंटोनिम्स। देखिए, पढ़िए व समझिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चित्र देख रहे हैं। उन चित्रों के नीचे शब्द द्वारा लिखा गया है, तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे जोर जोर से। ठीक है, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, दिन रात, पूरा आधा, मीठा कड़वा, हंसना रोना। ऊपर दिए गए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। नीचे कुछ और उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, कुछ और उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़िए। काला, सफ़ेद, पास, दूर, अंदर, बाहर, हल्का, भारी, आगे, पीछे, ठंडा, गर्म, एक, अनेक, थोड़ा, बहुत, सूखा, गीला, साफ, गंदा, मोटा, पतला, खुश, उदास। प्यारे बच्चों, अभी मैं जिस प्रकार पढ़ाई उसी प्रकार आप लोग पढ़ेंगे और इसको लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अभ्यास। पहला नंबर, सही मिलान कीजिए। हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, दो साइड में चित्र दिया गया है और बीच में दोनों तरफ लिखा गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग पढ़ेंगे। सब कोई मेरे पीछे पढ़िए। काला, सात, ठंडा, खुश, एक, सूखा। दूसरा साइड पढ़ेंगे हम लोग, गंदा, गरम, अनेक, सफ़ेद, गीला, उदास। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को सही मिलान करना है। तो हम लोग मिलाएंगे, पहला मिलान किया गया है, उसी प्रकार हम लोग मिलाएंगे सांप को गंदा से मिलाएंगे, गंदा से। फिर ठंडा को गरम के साथ मिलाएंगे, फिर खुश को उदास के साथ मिलाएंगे, एक को अनेक के साथ मिलाएंगे, सूखा को गीला के साथ मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग मिलान करके सीखेंगे। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर सही जगह लिखिए। नीचे दिया गया है, रात, देर, पूरा, कड़वा, थोड़ा। तो इसको चुनकर हम लोग को खाली स्थान में लिखना है। का नंबर दिया गया है आधा। आधा का उल्टा क्या होगा, उल्टा अर्थ वाले शब्द हैं, आधा का उल्टा अर्थ वाला शब्द है पूरा। चलिए लिखिए खाली स्थान में मेरे साथ। पा में बड़ी ऊ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, पूरा। आगे खा नंबर, दिन। दिन का उल्टा क्या होगा, रात। रा में आ की मात्रा, ता, रात। आगे गा नंबर, बहुत। बहुत का उल्टा होता है थोड़ा। था में ओ की मात्रा, अड़ा में आ की मात्रा, थोड़ा। आगे घा नंबर, जल्दी। जल्दी का उल्टा होता है देर। खाली स्थान में लिखिए, दा में ए की मात्रा, रा, देर। आगे अंगा नंबर, मीठा। मीठा का क्या होगा उल्टा, मीठा का होगा कड़वा। इसको खाली स्थान में लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए, का अड़ा वा में आ की मात्रा, कड़वा। एक बार पढ़ेंगे, पूरा, रात, थोड़ा, देर, कड़वा। आगे तीसरा नंबर, चित्र देखकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर भी अनेक प्रकार के चित्र दिए गए हैं, फिर जिस प्रकार चित्र दिया गया है उसी प्रकार लिखा भी गया है ना। तो देखिए, यहाँ पर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग दूर है और ऊपर में है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। ऊपर का उल्टा होगा नीचे। खाली स्थान में लिखिए सब कोई, ना में बड़ी ई की मात्रा, चा में ए की मात्रा, पढ़ेंगे नीचे। आगे यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिरन का चित्र है, एक पास में है और एक दूर में है।
यहाँ पर लिखा गया है पास और ऊपर में खाली स्थान लिख है, तो वहाँ पर हम लोग को लिखना है पास का उल्टा क्या होगा, दूर। दामे बड़ी ऊ की मात्रा रा, पढ़ेंगे दूर। आगे आगे यहाँ पर देख रहे हैं एक शेर गुफा में है, अंदर में है, गुफा के अंदर है और दूसरा बाहर में है, दूसरा कुत्ता है वो बाहर में है। ऊपर में लिखा गया है अंदर, अंदर का उल्टा क्या होगा, बाहर। तो खाली स्थान में सबको लिखेंगे बा में आ की मात्रा हा रा, बाहर। आगे यहाँ पर देख रहे हैं एक हंस है, हंस बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ पर लिखा गया है बड़ा और ऊपर में एक चिड़िया उड़ रही है वो छोटी है, तो बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। हम लोग खाली स्थान में लिखेंगे छा में ओ की मात्रा टा में आ की मात्रा छोटा। आगे आगे चित्र में देख रहे हैं हाथी, हाथी भारी होता है ना, तो ऊपर में लिखा गया है भारी और यहाँ पर एक चींटी है, चींटी कैसा होता है, चींटी हल्का होता है, तो भारी का उल्टा क्या होगा, हल्का। तो खाली स्थान में हम लोग लिखेंगे हल्का, हा ला का में आ की मात्रा हल्का। आगे यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं, एक में क्या है गर्म चीज रखा हुआ है और दूसरा में ठंडा, तो ठंडा लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरा स्थान खाली है, तो ठंडा का उल्टा क्या होता है, गर्म। उस खाली स्थान में हम लोग लिखेंगे गर्म, गा रा मा गर्म। ठीक है बच्चों, हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।